इंडिया आज जीतने वाला है. दैट्स अ फैक्ट. लेट्स गो. एवरीबॉडी सिंग दैट शिट. What is up, everyone? This is me, Mukesh. Welcome, guys, to Mukesh Network, and we are back with another one. We are back with another one, and guys, happy belated birthday. So, guys, Prabhas ka tha happy birthday, to unko belated happy birthday. Radhe Shyam teaser. रिलीज किया उन्होंने इस ऑस्पिशियस ओकेजन पर. यू नो राधे श्याम का टीजर रिलीज हुआ है प्रभास के बर्थडे पर, इंट्रोड्यूसिंग प्रभास एज विक्रमादित्य. सो ये कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है. पूजा हेगड़े है इसमें. ये एक रोमांटिक मूवी बोला जा रहा है, रोमांटिक ड्रामा मूवी बोला जा रहा है. सो लेट्स गो. मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाला है. प्रभास एज विक्रमादित्य, पूजा हेगड़े है, और Let's go. Let's get it, man. Without much further ado, let's get right into this one. 24th trending pe, kafi sare views aa chuke hain. So let's see what the fuss is all about. Let's go. So teaser hai, better be good. But no, I won't tell you. Ooh. Look at this. मुझे स्ट्रेट अवे हैरी पॉटर की याद आ गई. वो जो स्टेयर केस है और वॉल में जो लगे हैं सारे फ्रेम्स, मुझे हैरी पॉटर की याद आ गई. एंड ब्यूटिफुल, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये फ्रेम. I can feel your heartbreak. Okay. This is not so good. But I won't tell you. He won't say anything. I can see your failures. Oh. But I won't tell you. Okay. I can sense your death. But no, I won't tell you. I know everything. But he won't tell you. Yet, I won't tell you. We get that. Because it's beyond your understanding. His eyes. My name is Vikramaditya. I'm no god. But I'm not one of you either. ओके, काफ़ी कंफ्यूजिंग था. क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, मुझे पता नहीं चला. बट अगर हम विजुअल्स के बारे में बात किया जाए तो विजुअल्स काफ़ी अच्छे हैं. मैंने आपको बोला कि वो जो स्टार्टिंग में जो ये वाला शॉट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एंड वो स्टार्टिंग में जब इससे पहले एक मिनट, ये वाला शॉट मुझे अच्छा लगा. देन जो रोज़ का चीज़ हुआ, ये यहाँ पे जो रोज़ गिरा और पानी में गिरा, तो मुझे लगता है कि उन्होंने आई थिंक ये ओरिज मूवी में ये शॉट नहीं है. मे बी उन्होंने ट्रेलर के लिए सिर्फ ये बनाया है. बट ये मुझे काफ़ी वियर्ड लगा और बहुत ही ऑर्डिनरी लगा ये यू नो एनिमेशन. बट अदर देन दैट मुझे काफ़ी क्लीन लगा. बट ओके, मैं इतना भी कुछ ज़्यादा यू नो टीज़र को देख के मुझे इतना भी कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही है ट्रेलर की इंतज़ार में कि ओके टीज़र देख लिया एंड आई कांट वेट फॉर ट्रेलर, वैसे वाली फीलिंग नहीं आ रही है मुझको. एंड मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ. सो मेरे हिसाब से ये एक डिसअपॉइंटमेंट मैं बोलूँगा, क्योंकि प्रभास एक बहुत बड़े एक्टर है, स्पेशली आफ्टर बाहुबली. काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं प्रभास से. प्रभास एक अच्छे एक्टर है, उनके पास एक अच्छी वॉइस है. आप सुन रहे हो, वॉइस उनका देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत वॉइस है, बहुत ही भारी आवाज़ है. और मुझे वैसे आवाज़ पसंद है, क्योंकि जब वो एक्सप्रेस करेंगे कोई चीज़ है तो उनको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, वो डीप है उनकी वॉइस. जैसे कि अमिताभ बच्चन है, उनके पास इतने डीप वॉइस है, इतनी भारी आवाज़ है कि अगर वो इमोशनल सीन भी करते हैं, अगर वो गुस्से वाला सीन भी करते हैं तो वो बैंग ऑन होता है.
यू नो उनको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एफर्टलेसली सब हो जाता है, सीमलेसली सब हो जाता है। तो वो प्रभास के पास है क्वालिटी, उनकी आवाज़ है वो ऐसी, और उनके पास आँखें हैं, बहुत खूबसूरत आँखें हैं। ऐसी आँखें मैंने इरफान खान के देखे हैं जो बिना कुछ बताए ही बहुत कुछ बोल जाते हैं, और वैसी आँखें प्रभास के पास भी है, यू नो। एंड ही इज़ गुड। उनकी एक्टिंग मुझे पसंद है, उनकी डायलॉग डिलीवरी मुझे पसंद है, एक्शन सीक्वेंस भी वो काफ़ी अच्छा करते हैं। बट ये टीज़र मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मे बी बिकॉज मैं कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि उनको सब पता है लेकिन वो कुछ बोलना नहीं चाहते। और ये शॉट भी मुझे काफ़ी ऑर्डिनरी लगा, मुझे इतना ऑन पॉइंट नहीं लगा, क्योंकि कंसिडरिंग कि अभी म्यूज़िक का जो अभी आप मूवीज़ का जो लेवल है, आप ग्रीन स्क्रीन बोल दीजिए, विजुअल VFX बोल दीजिए, लेकिन जो अभी लेवल है उसका वो बढ़ चुका है। सो आई एक्सपेक्ट मोर, और स्पेशली उस मूवी से जहाँ पे प्रभास हैं उस वहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट एनीवे, और ये वाला पार्ट था, मुझे ये अच्छा लगा, ये वाला पार्ट जब वो वॉच टावर गिर रहा है तो मुझे ये अच्छा लगा, ये पार्ट मुझे अच्छा लगा। बट स्टिल आई कैन से दैट कि है थोड़ा बहुत आपको अजीब लग रहा है कि ओके इतना क्लीन भी नहीं हुआ जो वो चाहते थे, बट बहुत काफ़ी हद तक मुझे ये अच्छा लगा। एंड काफ़ी सारे शॉट्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, काफ़ी सारे शॉट्स थे मुझे जो मुझे बहुत ही ऑर्डिनरी लगे। लेकिन जनवरी 14 उन्होंने वही बोला कि जनवरी 14 को उन्होंने बोला। सो जनवरी 14 को हमें पता चलेगा कि मूवी कैसा है और कैसे काम हुआ है मूवी पर। बस इतना था मेरा इंसाइट इस टीज़र के ऊपर। प्रभास एज विक्रमादित्य, पूजा हेगड़े का यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, सिर्फ प्रभास के कैरेक्टर विक्रमादित्य का इंट्रोडक्शन हुआ राधेश्याम टीज़र। सो प्लीज़ लेट मी नो द कॉन्वर्सेशन बिलो कि आपको कैसा लगा ये टीज़र। एंड यू नो द ड्रिल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। And I'll be posting regular content. And see you in the next video. Until then, bye-bye. And yes. India aaj jeetne wala hai. That's a fact. Let's go.